लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। माँ, हम लोग क्या रहेंगे कैसे? खाना कैसे खाएंगे? मैं जो हूँ तुम्हारी माँ। अरे जरा देख के चला कर। विजय, क्या हुआ माँ? रवि कहाँ चला गया? यहीं तो सो रहा था। यहीं कहीं होगा, मैं अभी देखता हूँ। भी नहीं कमा पाती कि तुम दोनों को पढ़ा सको। तुम इतना नहीं कमाती हो कि हम दोनों को पढ़ा सको, लेकिन हम दोनों मिलकर तो इतना कमा सकते हैं कि रवि को पढ़ा सके। मैं भी कोई काम करूंगा। विजय मेरे बेटे, मगर तू तो अभी बच्चा है, तू क्या काम करेगा? तो रेस बुक देना। और दूसरी रेस में? दूसरी में रॉयल सल्यूट टू हल्ला गुल्ला। रॉयल सल्यूट टू हल्ला गुल्ला, चांसेस अच्छे हैं। और छठी रेस में? मंगा। ठीक है, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा नहीं। क्या? लंबी रेस में तो ऐसा घोड़ा जीतता है जो पहले पीछे पीछे भागता है, और आधी रेस के बाद जब स्पीड पकड़े तो सबको पीछे छोड़ता है। हो गया साहब। जजन पैसे दो। साहब, हम बूट पॉलिश करता है, कोई भीख नहीं मांगता। पैसा उठाकर हाथ में दो। अरे ड्राइवर साहब, सुना आपने? सुनो जजन, इसे पैसे उठा के दे दो। क्या? हाँ, इसे पैसे उठा के दे दो। चलो जयचंद, ये लंबी रेस का घोड़ा है जी। तुमने इस लड़के के तेवर देखे? ये उम्र भर बूट पॉलिश नहीं करेगा। जिस दिन जिंदगी की रेस में इसने स्पीड पकड़ी, ये सबको पीछे छोड़ जाएगा। मेरी बात का ख्याल रखना, एक दिन ये लड़का कुछ बनेगा। देखना, ये लड़का एक दिन जरूर कुछ बनेगा। हर सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर क्लास में इसी के आते हैं। शाबाश बेटे, जाओ अपनी जगह बैठ जाओ। थैंक यू टीचर। चलो बच्चों, अपनी अपनी किताबें निकालो। हो गई है क्या?
ये तेरे खत्म की ईंटें जो इस तरह से पटक रही है। भूल हो गई। इतनी नाजुक है कि बोझ नहीं उठता। तो जाकर कोई दूसरा धंधा कर ले जो तेरे पास का है, समझी? मुंशी जी, जबान संभाल की बात करो। जी 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 जी, ये देखो। अरे भाई, आजकल किसी पे हमदर्दी करना भी पाप है। हाथ जोड़ कर काम मांगा था और ये देखो साली शराब पिए हुए, तो उनके कहाँ से उठेंगी? चल भाग यहाँ से। मुंशी जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, दया करो। अरे हमने किराए पर बच्चे लाकर भीख मांगने वालियाँ बहुत देखी है, समझी? चल भाग यहाँ से, चल भाग, चल भाग यहाँ से। चार नहीं कि नहीं ईटे तोड़ डाली। अजी सेठ जी को हिसाब देना पड़ता है, पैसे के वक्त सबसे आगे, अब काम करते वक्त इंसानी मरती है। अरे ये छोकरा किसका पकड़ चलेगा? इस दुनिया में गरीबों को रोटी के लिए सब कुछ सहना ही पड़ता है। अब मुझे कल कहीं और काम मिलेगा तो वो लोग क्या मुझे सर पे बिठाएंगे? तेरे पत्थर मारने से कुछ नहीं होगा बेटा। भगवान ने जो नसीब में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। मुझे दे, मैं सब बातों को कैसे चुपचाप सह लेती हूँ। रवि भी तो तेरा ही भाई है, मगर तुम दोनों में कितना फर्क है। फर्क है, बहुत फर्क। और सबसे बड़ा फर्क तो ये, कर रहा है। मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा। देख विजय, अगर तू मंदिर नहीं जाएगा ना तो मैं तुझसे कभी भी बात नहीं करूंगी, तुझे खाना तक नहीं दूंगी, समझे? क्षमा करना बहन, इसे मंदिर में आने के लिए मजबूर न करो। इसलिए कि पूजा मजबूरी से नहीं, श्रद्धा से होती है। जिस दिन इसके मन में श्रद्धा जागेगी अपने आप आ जाएगा। जाओ भगवान के दर्शन करो। चल रवि। एक बात बताओ, ये तुम रोज मंदिर में आके भगवान से मांगती क्या हो? मैं बताऊं? तेरे लिए सुख और विजय के लिए शांति। माँ, या तो मेरे बारे में तुम भगवान से सीरियसली बात करती नहीं हो, या भगवान तुम्हारी बात सीरियसली सुनते नहीं, इसलिए तो मुझे आज तक नौकरी नहीं मिली। अरे बेटे, हो सकता है भगवान तुम्हारे लिए कोई अच्छी नौकरी ढूंढ रहे हो। ओह, तो ये चक्कर है। वैसे माँ, कल तुम भगवान के कान में ये बात जरूर डाल देना कि अगर मुझे 200-250 की भी नौकरी मिले ना तो मैं कर लूंगा। क्या बोलता है तू? थोड़ा बहुत मजाक कर लेता हूँ, वरना भाई के जैसे मेरा भगवान से कोई झगड़ा वगैरह नहीं है। कितने साल हो गए, मगर ये तू इसे समझाता क्यों नहीं? बस तुम यही देखती हो कि भाई तुम्हारे मंदिर में नहीं आता, लेकिन तुम्हारे लिए रोज मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठता, ये नहीं देखती हो। हो गई तुम्हारी पूजा? चलो माँ, जल्दी करो, ड्यूटी पे जाना। ले प्रसाद खा, ले ना। ओहो, फिर वही रोज का प्रॉब्लम। भाई, माँ प्रसाद समझ कर तुम्हें खिलाती है, तुम मिठाई समझ कर खा लिया करो। हाँ, माँ भी खुश, तुम भी खुश ना। शाबाश। चलो इधर देखो माँ, एक मैं ही हूँ जो मंदिर का प्रसाद खाकर मोटा हो रहा हूँ, लेकिन नौकरी फिर भी नहीं मिलती। मैं जाता हूँ, 10 बजने वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खुल जाएगा, देर से पहुंचो, नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा भाई,
और एम चाचा क्या हाल है? अच्छा हूँ बेटा, जब तक नया ट्रक आए और कुछ दमी ले लेते हैं। अरे समान नया छोकरा है, धीरे धीरे सीख जाएगा। बेटा रोज सोचता हूँ, रोज भूल जाता हूँ तुम्हारे बिल्ले के बारे में। मेरे बिल्ले के बारे में क्या बात? हाँ, क्या नंबर है बिल्ले का, जरा पढ़ो तो। 786। हाँ बेटा 786। हम लोगों में इसे बहुत मुबारक समझते हैं, जैसे होता है ना वो ओम, वैसे ही 786। क्या मतलब है 786? 786 का मतलब है बेटा बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। बहुत मुबारक चीज है बेटा, बड़ी बरकत है इसमें, इस बिल्ले को हमेशा अपने पास रखना। चलो ये सामान उठाओ। अरे गंगू। सलाम चाचा। अरे तूने भी मुझे चाचा कह दिया, ऐसे ऐसे नहीं उठाते बेटा, ऐसे उठाते हैं, समझ गया। मैं भी इस उम्र का था जब मैंने कुलीगिरी शुरू की थी। रहीम चाचा कितने साल हो गए आपके यहाँ? आपके देखते देखते तो सब कुछ बदल गया होगा। कुछ नहीं बदला, पहले भी बोझ उठाते थे, आज भी बोझ उठाते हैं। पहले भी मवाली थे जिन्हें हफ्ता दिए बगैर कोई कुली काम नहीं कर सकता था, और आज भी हफ्ता देना पड़ता है उन्हें। लोग कहते हैं जमाना बदल गया, शायद बदल गया हो। मैंने तो बेटा सिर्फ हफ्ता लेने वाले बदलते देखे। सलाम सेठ जी। तो पीटर सब ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं? इधर क्या गड़बड़ हो सकती है सेठ जी, किसी की हिम्मत है कि सेठ सामंत के आदमी को कोई हफ्ता देने से इनकार करे? सेठ जी आज इन कुलियों का पगार का दिन है, आज शाम को आपके दफ्तर में पैसा पहुंच जाएगा। पैसा लाकर राणा को दे देना। जी सेठ जी। ये तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे देंगे, ये लो चाय पानी के लिए। सेठ जी सलाम सेठ जी। रहीम चाचा ये क्या हो रहा है, ये पैसे किस बात के ले रहे हैं? ये हमारी गरीबी का जुर्माना है। गरीबी का जुर्माना? हाँ, नए नए आए हो ना, सब समझ जाओगे। ये यहाँ के मवाली पीटर का आदमी है, पगार के दिन हर पुलिस से 2 रुपए लेता है। हाँ लेकिन किस बात के 2 रुपए लेते हैं? किस बात के? ये तो आज तक किसी ने भी पूछने की हिम्मत नहीं की। तुम भी मत पूछना बेटा, खामोशी 2 रुपए दे दो और चले जाओ। मैं नहीं दूंगा। मैं क्यों दूंगा? मैं नहीं दूंगा रुपए, फैजाबाद से क्या इनके लिए कमाने आया हूँ? मुझे मनी ऑर्डर भेजना है घर, घर में माँ है, दो छोटी छोटी बहनें हैं, अभी से पैसे भेजूंगा तभी तो धीरे धीरे दहेज बनेगा उनका, नहीं तो ब्याज कैसे होगा उनका? नहीं। और आप कहते हैं कि मैं उन्हें 2 रुपए दे दूँ, मैं नहीं दूंगा। मैं क्यों दूंगा? नहीं दूंगा। चलो पैसे डाल इधर। नहीं मैं नहीं दूंगा पैसे। क्या पैसे नहीं दूंगा? रहने दो भैया, नया नया छोकरा सब कायदा कानून जान जाएगा। बेटा दे दो रुपए। नहीं रहीम चाचा, मैं अपनी मेहनत की कमाई काहे को दे दूं? अरे हटो। अबे है टुल्लू का पट्टा। अरे देखो मेरे पैसे छीन रहा है। अरे मेरे को बचा ले भाई। अरे मेरे मां के पैसे। अरे अरे मेरे पैसे। अस्पताल पहुंचते पहुंचते मर गया, और जान किस चीज की ये थी? सिर्फ सिर्फ 2 रुपए के लिए। अब बोलो 2 रुपए दे देता तो क्या जाता, सभी तो देते हैं। अरे भैया ये दुनिया है, यहाँ गरीब को 100 बातें सोच के चलना पड़ता है, और फिर ये लोग तो मवाली ठहरे, इनके मुंह कौन लगे? ठीक कहते हो रहीम चाचा, बिल्कुल ठीक कहते हो। 25 बरस हो गए हमें यहाँ काम करते, हमने नहीं देखा कोई कुली इन्हें हफ्ता देने से इनकार कर दे। रहीम चाचा जो 25 बरस में नहीं हुआ वो अब होगा।
अगले हफ्ते एक और कुली इन मवालियों को पैसा देने से इनकार करने वाला है।